कोरोना वैश्विक महामारी के बीच नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र का अलौदिया सराय गांव आज गोलियों की तड़तड़ाहट और पथराव से थर्रा उठा। मामूली विवाद को लेकर बीएसएफ के जवान मनु सिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें मदन सिंह की मौत हो गई। वही गोली लगने से दो अन्य लोग जख्मी हो गए। इस दौरान चले रोड़ेबाजी व पत्थरबाजी में भी करीब आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दो दिन पूर्व गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा मनु सिंह के खेत में शौच कर दिया गया था, जिसके बाद मनु सिंह ने मारपीट कर उस व्यक्ति को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। उसके बाद मामला शांत हो गया। आज पुनः अपने गुर्गों के साथ मिलकर बीएसएफ के जवान ने उस समय हमला कर दिया जब गांव के लोग घर के समीप बैठकर ताश खेल रहे थे। घटना की सूचना पाकर मौके पर डीएसपी इमरान परवेज बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल से पर गोलियों का खोखा भी बरामद किया है। पुलिस मामले की गहन छानबीन के साथ आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में जुट गई है। घटना के बारे में क्या हुआ? घटना एक बाइक आगे चढ़ के पूरे खानदान में उसका गोली चलाने लगे। काहेला ऐसे बिना मतलब के वो पैखाना के चलते हुआ। पैखाना कोई अगर कर दिया तो किसी खेत में पैखाना करना गुनाह है। कितने लोगों को गोली मारा गया? एक को मर गए, एक को लगा हुआ है निरार में। आप कितना कम से कम 10 लोगों के माथा कान वहाँ ऐटा पत्थर से फड़ गया। रोड़ेबाजी भी हुआ है? रोड़ेबाजी पूरा जम को हम लोग बैठे थे, एक बैग आके प्रहार कर गोली उली जी गोली चला है। गोली भी चला है, खोखा भी रखा हुआ वहाँ पर अभी भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कालकेश्वर सिंह है।